ऐसा ही होता है, जिंदगी बनती है पल की ही अक्सर नादानी। ऐसा ही होता है, यूं ही बह जाता है जिस्म के पत्थर से वक्त का पानी। ऐसा ही होता है, जिंदगी बनती है पल की ही अक्सर नादानी। जिसने भी छोड़ी है धरती उसने ही दुख सदा झेले हैं। जिसने भी छोड़ी है धरती उसने ही दुख सदा झेले हैं। ऐसा ही होता है जाना, आसमान पे सब अकेले हैं। ऐसा ही होता है, नीचे झमेले हैं ऊपर अकेले हैं, पत्थर भी अंदर से है पानी पानी। ऐसा ही होता है, पागल से दिल में ही छुप के यूं बैठी है दुनिया सयानी। ऐसा ही होता है, जिंदगी बनती है पल की ही अक्सर नादानी। ऐसा ही होता है, किस्मत से जो नहीं था मांगा किस्मत ने वो दिया है पूरा। दिल ने जो गाया था तराना बस वही छोड़ा है अधूरा। ऐसा ही होता है, होठों के छोरों पे आँखों की कोरों पे, होठों के छोरों पे आँखों की कोरों पे तन्हा रह जाती है कोई कहानी। ऐसा ही होता है, इसी कहानी को जीती है सांसों की निशानी। ऐसा ही होता है, जिंदगी बनती है पल की ही अक्सर नादानी। ऐसा ही होता है, सच में ऐसा ही होता है। ये कविता पढ़ी है मैंने, कुमार विश्वास जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है फिर मेरी याद। और 2007-8 में आई गेस मैं एक बार ऑफिस से आ रही थी और मेरे फ़ोन पे एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें चार लाइनें थी, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती है जो ना समझे तो पानी है। तो ये लाइनें पढ़ के मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी बेचैनी सी हुई कि ये लिखी किसने है इतनी खूबसूरत लाइनें। उस टाइम मेरे पास नोकिया 1610 फ़ोन होता था, उसमें इंटरनेट भी नहीं चलता था। तो फिर मैंने अपनी उसी फ्रेंड से रिक्वेस्ट की कि मुझे इसकी पूरी जो है वो पूरी जो कविता है वो प्लीज़ भेजो। और कुछ वक्त के बाद जब मैंने ये पूरी कविता सुनी कुमार विश्वास जी की ही आवाज़ में, वो किसी कॉलेज में शायद ये गा रहे थे, और जो यूथ और जो क्राउड था वहाँ पे कॉलेज में उनका जो रिएक्शन था वो देख के सेम मेरा भी रिएक्शन था, लेकिन मैं अकेली थी तो मैं इतना हूट नहीं कर सकती थी। तो बहुत ही सुंदर, तब से अब तक मैं कुमार विश्वास जी को हर जगह फॉलो करती हूँ, फेसबुक ट्विटर सब जगह। तो ये किताब मैंने ख़रीदी कुमार विश्वास जी की और बहुत ही खूबसूरत किताब है। अक्सर मैं बुक्स के रिव्यू डालती हूँ जो भी मुझे पसंद आती हैं, लेकिन कुमार विश्वास जी के लिखे हुए को रिव्यू करना मतलब छोटा मुंह बड़ी बात। तो इसलिए बस मैं रेकमेंड करूँगी आप सबको कि अगर आप कुमार विश्वास जी को पसंद करते हैं और उनका लिखा हुआ आपको पसंद आता है, स्पेशली कोई दीवाना कहता है वैसे ही कुछ कविताएँ कुछ शेर व शायरी इस किताब में भी है, तो आप प्लीज़ इसको ख़रीदिएगा और पढ़िएगा। और पर्सनली कुमार विश्वास जी को मैं कहती हूँ इम्यूनिटी बूस्टर ऑफ हिंदी। मतलब इतना कुछ समाज में चल रहा है और हर कोई इंग्लिश की तरफ इतना ज़्यादा प्रभावित होता है, हम चारों तरफ सोशल मीडिया पे हर जगह इंग्लिश में बात करते हैं, लिखते हैं, सब करते हैं। ऐसे वक्त में भी जब मैं इनको बोलते हुए सुनती हूँ तो मैं मतलब स्तब्ध रह जाती हूँ कि कैसे एक भी अंग्रेज़ी का शब्द बिना बोले ये अपनी बात इतने अच्छे इमोशंस के साथ और प्रॉपर हर एक अर्थ के साथ कैसे बयां करते हैं। सो आई एम ह्यूज फैन सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस बुक।